अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन कैसे हैं आप सभी आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग योर स्टडी रेगुलरली एंड सिंसेयरली बच्चों इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस टूडे वी विल टॉक अबाउट प्रोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस देखिए प्रो कैरियोट में जो आर एन ए बनता है वो डायरेक्ट ही ट्रांसलेशन प्रोसेस में चला जाता है दैट मीन्स इन केस ऑफ प्रो कैरियोर्स आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन दे बोथ विल अकर साइमल्टेनियसली एक साथ ही होती है जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होता है वैसे ही ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है इन केस ऑफ प्रो प्रो कैरियोर्स बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम बट इन केस ऑफ यू कैरियोर्स यू कैरियोर्स में जो आर एन ए बनता है वो डायरेक्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस में नहीं जाएगा दैट मीन्स इट विल नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन प्रोटीन सेंथिसिज तो उससे पहले प्रोटीन सिंथेसिस से पहले जो आरएनए हमारा बना है उसमें कुछ फर्दर प्रोसेसिंग होती है कुछ चेंजेस होते हैं कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं उसके बाद ही वो किस में जाता है ट्रांसलेशन प्रोसेस में ठीक है तो अगर मैं बात कर रही हूँ यू की तो जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल पोस्ट मीन्स बाद में ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो प्रोसेस हो रही है वो कहाँ होती है हमारे न्यूक्लियस में ठीक है और जब ये एम आर एन ए जो हमारा है वो बन जाता है मैसेंजर आर एन ए ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेसिंग के बाद कुछ चेंजेस के बाद तो वो किस में चला जाएगा साइटोप्लाज्म में और फिर वो क्या बनाएगा प्रोटीन ठीक है तो जो चेंजेस आते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बाद वो क्या है कैपिंग टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग कैपिंग फर्स्ट स्टेप फिर टेलिंग होगी फिर स्प्लाइसिंग होगी अब देखते हैं क्या है ये चेंजेस तो उससे पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्प्लिट जीन्स क्या होते हैं तो शार्प और रॉबर्ट्स ने स्प्लिट जीन के बारे में बताया था इसी कारण से इनको नोबल प्राइज भी मिला था नाइनटीन ठीक है तो स्प्लिट जीन क्या होता है बच्चों जो जीन जिसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट हो वो क्या कहलाता है हमारा स्प्लिट जीन ठीक है देखिए डीएनए से आरएनए बना अब उस आरएनए में सारा का सारा तो प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं जा रहा वो आरएनए कुछ पार्ट ही है जो प्रोटीन बनाएगा तो जो आर बना है उसमें कोडिंग कोडिंग मतलब जो आगे प्रोटीन कोड करे और नॉन कोडिंग मतलब जो कुछ भी कोड नहीं कर रहा आगे प्रोटीन नहीं बना रहा तो दोनों ही पार्ट्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या कहलाता है हमारा स्प्लिट जीन ठीक है उस जीन को हम क्या कह रहे हैं स्प्लिट जीन जिसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे ठीक है तो यहाँ जो नॉन फंक्शनल पार्ट होता है जिसे हम क्या कह रहे हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस ठीक है non -coding sequence, जिसे हम नॉन कोडिंग कह रहे हैं वो क्या कहलाता है बच्चों इंट्रोन और जो फंक्शनल पार्ट होगा जो कोडिंग पार्ट होगा वो क्या कहलाता है एक्जोन ठीक है तो यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्प्लिट जीन क्या है अब इस स्प्लिट जीन में ही मॉडिफिकेशन होंगे ठीक है तो कैपिंग क्या होती है बच्चों ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो स्प्लिट जीन बनता है उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सिक्वेंसेज है तो उस स्प्लिट जीन को हम क्या कह रहे हैं एच एन आर एन ए हिट्रोजिनस न्यूक्लियर आर एन ए न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस में प्रेजेंट है हिट्रोजिनस क्यों कह रहे हैं क्योंकि इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सिक्वेंसेज प्रेजेंट है ठीक है तो अभी ये जो एच एन आर एन ए है इट विल नॉट गो इन टू ट्रांसलेशन ये ट्रांसलेशन प्रोसेस में नहीं जाएगा प्रोटीन सिंथिस नहीं बनाएगा और अभी ये क्या है अनस्टेबल है दैट मीन्स इट कैन बी डिग्रेडेड इजिली बाई एंजाइम्स एंजाइम से डिग्रेड हो सकता है ये टूट सकता है तो इसको एक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसीलिए मॉडिफिकेशंस होते हैं ठीक है तो कैपिंग में सबसे पहले क्या होता है सेवन मिथाइल ग्वानोसिन ये कैप है ग्रुप है ये मिथाइल ग्वानोसिन का ग्रुप जुड़ जाता है किस पे फाइव डैश एंड पे मतलब ग्वानोसिन में सेवेंथ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड है देखिए अगर मैं ग्वानोसिन की बात कर रही हूँ ये क्या है हमारा ग्वानोसिन का स्ट्रक्चर है ठीक है ये आपका क्या हो गया ये तो हमें पता है ये क्या है ग्वानीन है ग्वानिन के सेवन पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप एड हो जाएगा ठीक है सेवन मिथाइल ग्वानोसिन इज एडेड फाइव डैश एंड ये हमारी क्या राइबोज शुगर है है ना आरएनए की बात कर रहे हैं तो हमारी राइबोज शुगर होगी राइबोज शुगर के फाइव डैश एंड पे फाइव डैश एंड पे क्या जुड़ रहा है हमारा ट्राइफोस्फेट मिथाइल ग्वानोसिन तो जुड़ ही रहा है ये मिथाइल ग्वानोसिन हो गया और तीन फोस्फेट ये फोस्फेट जुड़ गए ठीक है देखिए अगर मैं दूसरी एक और हमने शुगर ले ली ये बेस जुड़ रहा है यहां पे ये यह क्या हो गया इसका फाइव डैश एंड हो गया आर एन ए चेन का ये वाला क्या है फाइव डैश एंड ठीक है तो बेस ये ग्वानिन जुड़ गया और तीन फोस्फेट जुड़ गए तो ये क्या हो गया मिथाइल ग्वानोसिन यहां क्या ग्रुप जुड़ गया ग्वानोसिन का ग्रुप जुड़ गया ये ठीक है और फाइव डैश एंड पे क्या है हमारे तीन फोस्फेट है तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है सेवन मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफोसफेट ठीक है और कहा जुड़ रही है ये डैश डैश एंड एंड पे किसके five एंड पे किसके शुगर के ठीक है तो ये जो सेवन मिथाइल ग्वानोसिन की जो कैपिंग हुई है कहां पे हुई है फाइव डैश एंड पे किसके शुगर के ये क्या कहलाता है कैपिंग तो ये क्या कर रही है एक तरह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है ये तो बात कर रहे थे हम कैपिंग की अब हम देखेंगे कि टेलिंग क्या होता है ठीक है नेक्स्ट मॉडिफिकेशन क्या है टेलिंग टेलिंग में मैं देख रही हूँ कि कम से कम टू हंड्रेड तो टू थ्री हंड्रेड न्यूक्लियोटाइड्स जो एडिनलिक एसिड है एडेनिन की दो सौ से तीन सौ न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं कहाँ पे थ्री डैश एंड पे ये पॉइंट यहाँ याद रखने का बच्चों कि कैपिंग तो होती है फाइव डैश एंड पे और जो टेलिंग होती है वो कहाँ होती है थ्री डैश एंड पे तो थ्री डैश एंड पे एडिन के रेजिड्यूज जुड़ जाएंगे जिसको हम बोल रहे हैं पोली ए टेल देखिये इधर यहां से सबसे पहले क्या होगा क्लीवेज होगा क्लीवेज देखिए क्या लिखा है क्लीवेज टेन टू थर्टी फाइव न्यूक्लियोटाइड डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम समझ रहे हैं आप मैंने आपको बताया था अपस्ट्रीम मतलब लेफ्ट डाउन स्ट्रीम मतलब राइट साइड तो डाउन स्ट्रीम किसके डाउन स्ट्रीम ये जो सीक्वेंस है ए ए यू ए ए इसके दस से पैंतीस अगर मैं न्यूक्लियोटाइड देखू इधर राइट साइड में क्लीवेज टूट जाएगा यहाँ से और यहाँ पे क्या होगा थ्री एंड पे क्या होगा इसमें पोली ए टेल जुड़ जाएगी एडिनिन के रेजिड्यूज जुड़ जाएंगे ये जुड़ गए ठीक है ये क्या कहलाती है टेलिंग और ए जब ब्रेक होगा तो इससे जो एनर्जी रिलीज होगी देखिए ए टी पी एज इट इज तो यूज होगा नहीं आपको पता ही हमेशा मोनोफोस्फेट की फॉर्म में ऐड होता है एडेनिन तो जब मोनोफोस्फेट ऐड होगा तो दो फोस्फेट निकल जाएंगे मोनोफोस्फेट बच गया और इस तरह से कई सारे एडिनिन रेजिड्यूज यहाँ ऐड हो जाएंगे ये क्या कहला रही है बच्चों टेलिंग टेल जुड़ गई ठीक है और ये टेलिंग का हुई है थ्री डैश एंड पे कैपिंग ऑलरेडी जुड़ चुकी है किस पे फाइव डैश एंड पे तो कैपिंग और टेलिंग समझ में आ गया आपको ये मैंने एक ओवरव्यू लिख दिया है सारा कि भाई पहले कैपिंग हो जाती है फिर टेलिंग हो रही है टेल जुड़ जाती है पोली एडीनाइजेशन हो गया एडिनिन का ग्रुप जुड़ गया कई सारे एडिनिन जुड़ गए पोली मैनी मैनी ठीक है अब स्प्लाइसिंग क्या होता है स्प्लाइसिंग होता है बच्चों हमने देखा कि इस जीन में कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट्स हैं लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट क्या है सिर्फ कोडिंग रीज़न कोडिंग रीजन क्या है हमारा यहाँ पे इंट्रोन ठीक है सॉरी एक्जोन क्या है कोडिंग इंट्रोन क्या है नॉन कोडिंग तो हमें ये इंट्रोन जो नॉन कोडिंग है ये रिमूव करने हैं तो ये इंट्रोन इस तरह से हट जाते हैं और सिर्फ एक्जोन वाला जो पार्ट है वो बच जाता है और वो एक्जोन क्या है हमारा फंक्शनल एम आर एन ने ठीक है एक्जोन क्या है हमारा फंक्शनल एम आर एन ए कोडिंग एम आर एन ने जो आगे जाके प्रोटीन बनाएगा अगर मैं इसको डीप में स्टडी करें हम तो आर एन ए स्प्लाइसिंग की बात करें थे अभी मैंने बताया आर एन ए स्प्लाइसिंग क्या होती है जो एच एन आर एन ए है उसमें दोनों सिक्वेंसिस प्रेजेंट है कोडिंग भी और नॉन कोडिंग भी तो एच एन आर एन ए का फंक्शनल एम आर एन ए में या एक्जोनिक आर एन ए भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक्जोन सीक्वेंसेज है एक्जोन ही हमारी फंक्शनल है तो एच एन आर एन ए का एक्जोनिक आर एन ए में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है स्प्लाइसिंग ठीक है तो स्प्लाइसिंग में क्या होगा जो नॉन कोडिंग पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा ठीक है राइबो न्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से और आर एन लाइगेज क्या करेगा जो नो जो हमारे कोडिंग पार्ट्स हैं उनको आपस में जोड़ देगा ठीक है और जो आर एन है कुछ प्रोटीन्स जो हैं इसमें हेल्प करते हैं आर एन स्प्लाइसिंग में जिनको हम क्या बोल देते हैं स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन या एस एन आर एन पीज भी बोल देते हैं या स्नर्ब्स भी बोल देते हैं ठीक है तो स्प्लाइसिंग में कौन हेल्प कर रहा है एक तो राइबो न्यूक्लियस एंजाइम इसके साथ साथ एस एन आर एन पी स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन ठीक है तो ये जो एस एन आर पी प्रोटीन्स होते हैं ये कंबाइन करते हैं दूसरे प्रोटीन्स के साथ और क्या कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं स्प्लाइसोजोम ठीक है देखो इधर जैसे सपोज कीजिए ये हमारा क्या है एच एन आर एन ए इसमें एक्जोन इंट्रोन दोनों सिक्वेंसेज प्रेजेंट है ठीक है तो सबसे पहले क्या होगा जो हमारा यू वन ये क्या SNR pin RNP है एस एन आर पिन आर एन पी है स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन तो जो यू वन है सबसे पहले यू वन आके बाइंड होगा कहाँ पे जी यू साइड पे जी यू पे जैसे ही ये बाइंड हो जाता है तो ये क्या कहला रहा है अभी प्री एम आर एन ए की सीक्वेंस है जब ये मॉडिफाइड हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा एम आर एन ए ठीक है तो जो यू वन एस एन आर पिन आर एन पी है ये कहाँ बाइंड करता है जी यू की सीक्वेंस पे जैसे ये इस पर बाइंड करेगा नेक्स्ट जो हमारा यू टू है यू टू एस एन आर पी आर एन पी यही प्रोटीन्स है बच्चों यू वन यू टू ये सब ठीक है यू टू कहाँ बाइंड करेगा ए पे ए साइड पे ये एडिनिन के पास जाके बाइंड कर रहा है अब ये दोनों बाइंड कर गए यू वन एंड यू टू नेक्स्ट आता है यू फोर यू सिक्स ये सात कम कंबाइंड प्रेजेंट एक सिंगल है ये यू फोर और यू सिक्स और यू फाइव ठीक है अब ये आके बाइंड करेंगे जैसे ये बाइंड करते हैं तो ये क्या होता है ये पूरा क्या बन गया एक स्प्लाइसोजोम बन गया स्प्लाइसोजोम मैंने बताया था आपको कि भाई जो एस एन आर एन पी प्रोटीन्स हैं वो क्या कर रहे हैं स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए इस आर एन ए के साथ बाइंड कर गए एस एन आर एन पी प्रोटीन्स हैं ये स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स प्लस एस एन आर एन ए आपका जो एस एन आर एन ए ये मिल के क्या कहला रहा है बच्चों स्प्लाइसोजोम क्या कहला रहा है ये स्प्लाइसोजोम ठीक है तो ये सिर्फ होता है किसमें यू कैरियोट्स में प्रो कैरियोट में नहीं होता ये क्योंकि प्रो कैरियोट में तो ऑलरेडी हमारे पास प्रोसेस्ड एम आर एन ए है वो डायरेक्ट ही ट्रांसलेशन में चला जाएगा उसको तो प्रोसेसिंग की जरूरत ही नहीं है तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका टू थाउजेंड सेवनटीन में नीट में कि जो स्प्लाइसोजोम है वो क्या होते हैं कहाँ मिलते हैं तो स्प्लाइसोजोम हो कहाँ होते हैं यू कैरियोटिक्स यू कैरियोट्स में ठीक है प्रो कैरियोट में नहीं होते क्वेश्चन ये था कि विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस जो स्प्लाइसोजोम है दे आर नॉट फाउंड फिर एग्जाम्पल देखा था प्रो कैरियोट यू कैरियोट एनिमल्स प्लांट्स तो प्रो कैरियोट्स में स्प्लाइसोजोम नहीं होते ठीक है जैसे ये प्रोटीन्स बाइंड कर गए तो ये क्या बन गया इसका स्प्लाइसोजोम अब क्या होगा ये आर एन ए जो है ये क्लीव्ड हो जाएगा कहाँ पे फाइव डैश साइड पे ठीक है जैसे ही ये क्या है हमारी ये वाली हमें पता है फाइव डैश साइड है ऊपर बनाया था मैंने ये थ्री डैश साइड है ये जब क्लीविंग होगी तो ये जो लेरिएट है ये जो है ना ये ये सेपरेट हो जाएगा अलग हो जाएगा इस तरह से ठीक है और हमारे पास क्या बच गई सिर्फ ये एक्जोन सिक्वेंसेज अलग हो गई ठीक है तो जो आर है पहले फाइव डे साइड पर ब्रेक होता है और ये लेरिएट बन जाता है देखिए यहाँ से ये जो ये पूरा था ये ब्रेक हो गया है ये सीक्वेंस यहाँ से कट लगा ये ये कट लगा और ये एक्जोन अलग हो गया और ये जो था हमारा ये क्या हो गया इस तरह से टर्न हो गया ठीक है यू जी ए जो यहाँ थी यू जी ए सीक्वेंस अब ये कहाँ आ गई यहाँ आ गई ठीक है ये जो यू जी वाली जो सीक्वेंस थी ये यहाँ से कट लग के ये यू जी भी इसमें ऐड हो गई ठीक है तो अब ये क्या हो गया यू जी ए अब ये क्या बन गया एक लेरिएट बन गया यू जी ए जी ए ये इंट्रोन वाले जो रीज़न था मैंने आपको ब्लू से दिखाया हुआ है और एक्जोन मैंने इस तरह से जिग जैग बनाई हुई है ब्लैक से एक्जोन सीक्वेंस अलग हो गई और इंट्रोन जो है हमारी वो अलग हो गई ठीक है तो ये इंट्रोन क्या है एक्साइज इंट्रोन लेरिएट लैरिएट लूप लाइक स्ट्रक्चर बन गया ये अलग हो जाएगा ये क्या है इंट्रोन ये किसी तरह का कोई प्रोटीन कोड नहीं करता आगे जाके ये क्या हो जाएगा डिग्रेडेड हो जाएगा एंजाइम से लेकिन जो ये एक्जोन है ये स्टेबल फॉर्म है क्योंकि इस पर कैपिंग भी है और टेलिंग भी है तो ये डिग्रेड नहीं होगा और यही आगे जाके क्या बनाएगा हमारा प्रोटीन में हेल्प करेगा तो अभी हमारे पास क्या बन गया प्रोसेस्ड एम ठीक है बहुत सिंपल है स्प्लाइसिंग में हमने देखा कि पहले क्या हुआ यू वन प्रोटीन जुड़ा फिर यू टू एड हो गया फिर यू फोर यू सिक्स का कॉम्प्लेक्स फिर यू फाइव जैसे ये ऐड होते हैं यहाँ से क्लीव हो जाएगा ये ठीक है ये टूटते ही एक्जोन अलग हो गए दोनों तरफ से और बीच वाला जो इंट्रोन है वो लूप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में अलग हो जाएगा और ये इंट्रोन आगे जाके क्या हो जाएगा डिग्रेड हो जाएगा एक्साइज का मतलब होता है निकला हुआ बाहर निकला हुआ ठीक है है और वाली जो है, जो सीक्वें अलग अलग हो गए थे अब ये लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जुड़ जाएंगे आपस में और क्या बना लेंगे एक्जोन जंक्शन कॉम्प्लेक्स ठीक है समझ में आ गई बात और इस तरह से अब ये एक्जोन जो है आगे जाके क्या करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा ठीक है अब देखिए क्या लिखा है यहां पर कि जो स्प्लाइसिंग है उसके थ्रू एच एन आर एन ए एम आर एन ए में कन्वर्ट हो जाता है जो नॉन कोडिंग पार्ट है वो रिमूव हो जाता है राइबो न्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से ठीक है और और जो इसके प्रोटीन से जो हेल्प करते हैं और जो कोडिंग वाला रीज़न है हमारा आर एन ए लाइगेज की हेल्प से एग्जोन जो है आपस में जुड़ जाएंगे और जो और प्रोटीन से जो हेल्प कर रहे हैं दे आर एस एन आर एन पी स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन ठीक है ये एस एन आर एन पी एक तो प्रोटीन्स और एस एन आर एन ए स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए जो अभी एम आर एन ए में कन्वर्ट नहीं हुआ है वो मिलके क्या कहलाते हैं स्प्लाइसोजोम उसको क्या कह देते हैं स्प्लाइसोजोम ठीक है ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है एटीपी को यूज़ करता है एनर्जी को यूज़ करता है ताकि नॉन कोडिंग और कोडिंग रीज़न को अलग अलग कर सके कट कर सके ठीक है और जो नॉन कोडिंग रीज़न है एच एन आर एन ए का वो सेल के अंदर रहता है लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा ठीक है सिर्फ कोडिंग वाला जो रीजन है वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा में और यहाँ जब हमारा एम बन गया है प्रोसेस्ड एम ये प्रोसेस्ड एम क्या बना देगा प्रोटीन इन साइटोप्लाज्म ठीक है फिर देखिए जो यू जीन होते हैं वही स्प्लिट जीन होते हैं स्प्लिट जीन मीन्स जिसमें प्रोटीन कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों रीजन प्रेजेंट हो लेकिन जो हमारे हिस्टोन और इंटरफेर प्रोटीन्स बनते हैं दे आर मेनली कोडिंग प्रोटीन्स जो कि प्रोसेस्ड होके बने हुए हैं ठीक है और जो प्रो कैरियोटिक जीन होता है वो तो ऑलरेडी नॉन स्प्लिट जीन होता है क्योंकि इस प्रो कैरियोर्ट में तो सिर्फ और सिर्फ कैसा रीज़न होता है कोडिंग रीजन होता है एग्जोन ही प्रेजेंट होते हैं इस प्रो कैरियोटिक जो प्रो कैरियोट का जो आर एन ए होता है उसको तो प्रोसेसिंग की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड है तो आप याद रखेंगे प्रो कैरियोट्स में प्रो कैरियोट्स में इंट्रॉन सिक्वेंसेज नहीं होती ठीक है तो वो क्या होता है उसमें प्रो कैरियोट्स में क्या होगा जैसे ही अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात कर रही हूँ तो जैसे ही डीएनए बना उससे क्या बन गया आरएनए आरएनए से डायरेक्ट क्या बन जाएगा प्रोटीन किसी तरह का कोई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस आपके प्रोकैरियोट्स में नहीं होते ठीक है जबकि यू में होते हैं आज इतना ही पढ़ेंगे नेक्स्ट कल से हम स्टार्ट स्टार्ट करेंगे जेनेटिक कोड और कोडोन ठीक है ये आप थोड़ोली पढ़िए मैं इसका पीडीएफ अभी आपको भेज देती हूँ बुक में से भी पढ़िए एनसीईआरटी से भी पढ़िए अपने रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व कीजिएगा